अपनी बेदाग और ईमानदार छवि के लिए मशहूर आईपीएस भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान पुलिस महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार यादव ने 2 सप्ताह इस्तीफे की पेशकश के मुताबिक पहले ही सीएम को इस्तीफा भेजकर इस पद से मुक्त करने की गुजारिश कर दी थी। 30 नवंबर तक यादव इस पद पर रहेंगे, यानी 30 नवंबर तक सरकार को यूपीएससी के जरिए नए पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नए पुलिस महानिदेशक के नियमों के मुताबिक 30 साल की सेवा वाले उन अधिकारियों का एक पैनल यूपीएससी को भेजना होगा जिनका कार्यकाल कम से कम 6 महीने बचा हो। इस लिहाज से 1990 बैच तक के 10 अधिकारियों के नाम राज्य सरकार यूपीएससी को भेजेगी और इन 10 दावेदारों में यूपीएससी चयन प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार के 3 नामों का पैनल भेजेगी। उनमें से एक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुहर लगाएंगे। नियमों के तहत सरकार 1990 बैच तक के अफसरों के नाम भेजेगी। इसमें 1987 बैच के राजीव दासोत और मोहनलाल लाठर व 1988 बैच के भगवान लाल सोनी और उत्कल रंजन साहू डीजीपी की दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। इनमें राजीव दासोत मई 2021 और भगवान लाल सोनी जून 2021 में रिटायर होंगे। 1989 बैच के उमेश मिश्रा, नीना सिंह और राजीव शर्मा के नाम भी पैनल में आएंगे, जबकि 1990 बैच के राजीव शर्मा व श्रीनिवास राव जंगा और रवि प्रकाश मेहरडा भी एक पैनल में नाम भेजे जाएंगे। 30 वर्षीय की सेवाओं के आधार पर यूपीएससी 3 नामों की सिफारिश राजस्थान सरकार को करेगी। उनमें यूपीएससी चेयरमैन 3 नामों में से एक नाम पर सीएम मोहर लगाएंगे। वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव, डीजीपी और यूपीएससी के एक सदस्य का बोर्ड इन 3 नामों को तय करेगा। वहीं जातीय समीकरणों के लिहाज से नए डीजीपी के लिए मोहन लाठर का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। अपने कार्यकाल से करीब 7 महीने पहले पद छोड़ने की पेशकश करने वाले डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति और पुलिस अकादमी के निदेशक जैसे कई प्रमुख पदों पर काम कर चुके डीजीपी यादव अपना भावी जीवन एनजीओ के जरिए समाज की सेवा में लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग में चाहते हैं और भेजकर आयोग के सर्विस कैलेंडर को नियमित करने की ईमानदार कोशिश के पक्ष में है। इस दौरान एक संभावना यह भी बताई जा रही है कि यादव का इस्तीफा स्वीकार कर सरकार ऐसा करना केवल एक बड़े वोट बैंक मोहनलाल लाठर को नया डीजीपी बनाकर यूपीएससी के बाद में पैनल भेज दे, वहीं जाटों को खुश रखने के फेर में है, बल्कि दूसरे दावेदारों की कोशिश को भी कुंद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।